महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 1081 नए मामले दर्ज किए गए। कोविड-19 के ये मामले 24 फरवरी के बाद से सबसे अधिक है। हालांकि बुधवार को आए कोविड के आंकड़ों के अनुसार कोई मौत नहीं हुई। अगर मुंबई के कोविड आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई में बुधवार को 739 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। 710 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। हालांकि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं वो अस्पताल में भर्ती हुए। बुधवार को मुंबई में 29 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए और वहीं 5 मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। मुंबई में फिलहाल कोरोना के 102 मरीज अस्पताल में भर्ती है। इससे पहले मंगलवार को मुंबई में 506 मामले दर्ज किए गए। मंगलवार की तुलना में बुधवार को 233 मामले की वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में बढ़े कोविड के मामलों पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे से भी कल इस विषय पर बात हुई है। पिछला अनुभव को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।